एबीपीएस न्यूज सच का साथी। गोमती नगर थाना क्षेत्र में एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या। उसके बाद पीजीआई थाना क्षेत्र तेलीबाग में व्यापारी मोतीलाल अग्रवाल के घर हुई लाखों की लूट। इस वारदात को शहरवासी भूल ही नहीं पाए थे कि बुधवार की रात ठाकुरगंज के मल्लाही टोला में गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग थर्रा उठे, जहाँ दबंगों द्वारा दो सगे भाइयों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चलने की सूचना के बाद ठाकुरगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल भाइयों को ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रात के समय हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद एडीजी राजीव किसड़ा, आईजी सुजीत पांडे और एसएसपी कलानिधि नैतानी मौके पर पहुंचकर एसएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये घटना रंजिश के तहत हुई है। वहीं पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। अब आपसी तो मोहल्ले में या कहीं कुछ मुझे माने तो क्या इतना बड़ा दुस्साहस की गोली मार देगी जरा जरा सी बात पे सब लोग। अभी दो दो लोगों के मतलब इस तरह से अभी तक की पुलिस की क्या कार्रवाई? अभी तक कुछ नहीं है, सब पूछ रहे, जांच रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने है, फोटो सामने आ रहे, उसको उठाई घर वाले उठाई नामजद है तो उनकी गिरफ्तारी हो रही है। नामजद है उनकी गिरफ्तारी हुई रास्ते में गाड़ी रोक कर शरारती डंडों से आधे घंटे तक मारा, वो भी ठाकुरगंज थाने के 500-400 मीटर के अंदर में। 100 नंबर पे फोन किया गया, फोन नहीं लगा, उठाया नहीं, आधा घंटा तक मारपीट होती रही दबंगई के साथ। उसके बाद दोनों के सर में लगा के गोली मार दी। उसके साथ एक लड़का और था निशान, जिसको इन लोगों ने धमका के अलग कर दिया कि तुम हट जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसने दो तीन लोग के नाम बताए हैं, जिसमें चीना, सिवन लंगड़ा और कुछ अन्य लोग थे। उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हम लोगों ने बता दिया कि सामने सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, उसमें फोटो भी आ चुकी है। अगर तत्काल अरेस्ट नहीं उनकी हो पाएगी तो वो भाग जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। सीधी सी बात है, डाटा है तो उनको सब बता दिया गया है। वो कह रहे हैं मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक यह है कि इतनी देर हो गई है। सबसे बड़ी बात तो ये ठाकुर थाने इतने करीब में इतना बड़ा हादसा हो गया है। अब ऐसे कोई मामला होगा तो दो मिनट पुलिस पहुंच जाती है। अभी कब का मामला जिसके लिए इतनी बड़ी दुस्साहसी अपराध कर दी जाए। अच्छा, इसी में से सिवन लंगड़ा, ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इनके ऊपर कई मुकदमे यहाँ लगे हुए हैं। अभी कई मामले में ये जेल भी गए थे, इनके अंदर एक दुस्साहस इतना बढ़ चुका है इस समय सरकार में कि कुछ भी करने के लिए तैयार आ रहे हैं। क्या लगता है क्या पुलिस का संरक्षण मिला था? अब अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम क्या समझेंगे? बिल्कुल मिल रहा होगा। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम क्या समझेंगे? गिरफ्तारी इसके लिए 9:30 बजे का किस्सा है। अच्छा, भी किसी का नहीं है, अपना गरीबी रेखम जीवन अपन का। तो इतना दुस्साहस कि थाने के बगल मारपीट आधे घंटे तक होती रही ना। 100 नंबर ऐसे बताते, 5 मिनट पहुंच जाती होगी सरकार। एक दूसरे को ये लोग जानते थे पहले से? किस चीज को लेकर झगड़ा, कुछ ऐसी जानकारी है? आपसे जो भी मुजबानी बात हुई है, बाकी को झगड़ा ऐसा नहीं। मारने लड़के थे वो आसपास रहते हैं, वहीं उसी वहीं पर रहने वाले हैं। तो नहीं, दो मारने और बाकी उनके साथ कोई अन्य लोग थे जिनके नाम पता किए जा रहे हैं। जो लगभग कितने लोग होंगे? मेरे समझ से 4-5-6 लोग होंगे। जो है पुलिस का कहना है दोनों का कोई आपसी विवाद चल रहा था, काफी पुराना, अभी कुछ दिन पहले भी दोनों का विवाद ऐसा नहीं था जिसके लिए गोली मार दी जाए। इतना बड़ा विवाद कौन सा था? पुलिस बताया कोई ऐसा विवाद था कि जो